हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 13वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 13वें पाठ का नाम है भारत, स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ, यानी भारत के जमीन पर, भारत की जमीन के नीचे का निर्माण कैसा है और उसका भूपृष्ठ यानी ऊपरी सतह जमीन का कैसा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट यानी खास स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम का मतलब होता है अत्यधिक पुराना है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी यानी एकजुट रखने वाली भावना, एकता की भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट यानी खास लाक्षणिकता है, यानी मिसाल है, उदाहरण है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय यानी मेलजोल हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि विश्व के देशों में भारत अपना विशेष स्थान रखता है। भारत बहुत ही विशाल देश है, बड़ा देश है। भारत का संस्कृति जो है बहुत ही पुराना है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी जनता का देश है। भारतीय संस्कृति की एकजुट रहने की, एकता की भावना ने किसी भी धर्म को, किसी भी जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं, बल्कि सभी के को अपने साथ लेकर चला है, सबका स्वागत किया है, सबके लिए द्वार खुला है। इस तरह सर्वधर्म प्रजा यानी सभी धर्म को समझने वाली, मानने वाली प्रजा और जाति के प्रति समभाव और हर जाति के प्रति एक समान भावना भारत की खासियत का एक उदाहरण है, मिसाल है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय यानी मेलजोल हुआ है। आगे पढ़ते हैं, प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। अविरत का मतलब बिना रुके हुए लगातार चलना। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कह रहे हैं कि प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा किया गया, स्वयं या तो मानव की प्रवृत्तियों के द्वारा उत्पन्न अनेक आपदाएं को आती हैं और उसका सामना करने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास बिना रुक के चालू रखा है, विकास निरंतर कर रहा है। इसके बाद भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। बच्चों, ये नक्शा दिया गया है, इसमें भारत का नक्शा दिया गया है। एशिया जहाँ लिखा है उसके नीचे देखिए भारत का नक्शा अपना दिया गया है यहाँ पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत स्थान, आकार, विस्तार। भारत के स्थान के बारे में, जगह के बारे में, उसकी बनावट रूप के बारे में, विस्तार यानी फैलाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का फैलाव विस्तार कहाँ तक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वह एशिया खंड के दक्षिण भाग में फैला है। भारत के मुख्य भूमि खंड का फैलाव 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के मध्य में कर्क वृत्त गुजरती है जो 23.30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश को दो भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है। उसका उत्तरी भाग ज़्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी है। श्रेणी का मतलब होता है क्रम। कर्क वृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र त्रिभुजाकार यानी तीन भुजा के आकार का है। उसके दक्षिण की ओर सकरा यानी पतला होता जाता है। यह मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के सकरे यानी पतले मैदानों का समावेश
यानी समाविष्ट होता है। इसमें बता रहे हैं कि भौगोलिक दृष्टि से बनावट के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। भारत के मुख्य भूमि खंड जो है, भूमि का भाग जो है, उसका विस्तार 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश पर और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के मध्य से कर्क गुजरती है जो 23.30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश को दो भागों में बांटती है। उसका उत्तरी भाग ज़्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। यह विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी यानी इधर बहुत बड़ा मैदान और हिमालय के बहुत से पर्वत के श्रेणी हैं, पर्वत क्रम में है। कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार यानी तीन भुजा के आकार का है। उसके दक्षिण की ओर पतला होता जाता है यह भाग और यह मुख्य रूप से द्विकल्पीय प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिम किनारे के पतले मैदानों का समाविष्ट होता है। आगे पढ़ेंगे, भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव यानी विस्तार लगभग समान अर्थात 30.0 है, परंतु वास्तविक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उत्तरी दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई 2,933 किमी है। देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों यानी स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यानी फर्क है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है तब उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी रहती है। इसलिए भारत की प्रामाणिक समय रेखा प्रमाणिक यानी निश्चित जो प्रमाणिक किया गया है बताया गया है उस समय रेखा यानी सीमा के अनुसार 82.30 पूर्व देशांतर पर है जो 5 राज्यों से गुजरती है। उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रामाणिक यानी निश्चित समय माना जाता है। इसमें बता रहे हैं कि भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान अर्थात 30.0 है, परंतु वास्तविक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। देशांतरीय अंतर के कारण देशों के बीच अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर दिखता है, फर्क दिखता है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है यानी सूर्य निकलते हैं उसी समय पश्चिम गुजरात में रात बाकी रहती है। इसलिए भारत की प्रामाणिक समय रेखा 82.30 पूर्व देशांतर में है जो 5 राज्यों से गुजरती है और उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रामाणिक यानी निश्चित समय माना जाता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, यह भारत का नक्शा दिया गया है। इसमें विस्तार और प्रामाणिक समय रेखा खींचा गया है, सीधे सीधे आप लोग देखिएगा, लिखा गया है प्रामाणिक रेखा, यही समय निश्चित किया गया भारत में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% भूमि रोकता है। विश्व के 6 देशों का जो आकार यानी स्वरूप में भारत से बड़े हैं वे क्रमशः रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें बता रहे हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक है उस और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे दुनिया में 7वां स्थान है। भारत विश्व के
पूरे संपूर्ण जमीन के भाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% ही भूमि रोकता है। विश्व के 6 देशों का जो आकार है भारत से बड़ा है, उन देशों का नाम दिया गया है, रूस है, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत के आकार से बड़े देश हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन यानी आने जाने के लिए केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में महासागर आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों यानी रुकावटों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों यानी चीज़ों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। इसमें बता रहे हैं कि भारत का जो जमीन का भाग है एशिया खंड के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, विस्तार में है, उसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आने जाने के लिए केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है, हो सकता है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों यानी रुकावटों जैसे जमीन से जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें रुकावटों से घिरे होने के कारण भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक चीज़ों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। बच्चों, ये चित्र दिया गया है यहाँ पे भारत का व्यूहात्मक स्थान, भारत किस तरह से घिरा हुआ है यहाँ चित्रों के द्वारा दिया गया, इसमें दिखाया गया है किसके आसपास कौन कौन से देश हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण विशेष स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंद महासागर के शीर्ष स्थल यानी कि ऊपरी भाग में ऊपरी स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ यानी गहरा सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम पर से रखा गया है। इसमें बता रहे हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में एक विशेष स्थान रखता है, जगह रखता है, उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जो घिरा हुआ है उस कारण से भी, जिसमें पुराने समय में लगातार रिश्तों में विकसित यानी विकास करने में बढ़ाने में समुद्रों का बहुत ही विशेष योगदान रहा है। हिंद महासागर के ऊपरी स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा समुद्र के रास्ते के सहयोग से भारत का रिश्ता पुराने समय से ही रहा है, जिसका परिणाम यह है कि भारत ने इन देशों के साथ बहुत ही गहरा सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता अपने विशेष स्थान के कारण बढ़ाया है। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक सागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जो सागर है हिंद महासागर। आगे पढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जल मार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जल मार्ग तथा स्वेज जल मार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जल डमरू मध्य का मतलब होता है भूगोल, जो दो समुद्रों या खाड़ियों आदि को मिलाने वाली जल की धारा या जल प्रणाली, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। तो जल डमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। इसमें करें अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों यानी विश्व स्तर पर जल के मार्गों यानी जल से रास्ता जो बनाया गया है, भारत का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया है। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाली जल मार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वाला जल मार्ग तथा स्वेज जल मार्ग भारत के नज़दीक से होकर गुजरता है। इसी रास्ते द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जल डमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे, भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से यानी बहुत पुराने समय से है। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान यानी लेना देना प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों यानी वेदों के बाद लिखे गए ऐसे ग्रंथ जिनमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया हो, उसे उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषदों के विचार रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। करें भारत का जो संपर्क जुड़ाव है विश्व के दूसरे देशों के साथ बहुत ही पुराना है। वस्तुओं और विचारों का लेन देन पुराने समय से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों के विचार रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश पद्धति आदि विश्व के अलग अलग भागों तक पहुँच सके हैं। आगे पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत के से लगे हुए जो देश हैं पड़ोसी देश उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य, दिल्ली का एक राज्य राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहे कि भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 29 राज्य, एक दिल्ली का राज्य, एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना जाने 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश में से बना नया 29वां राज्य है। करें 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश में से निकलकर नया राज्य बन गया है। ये 29वां नया राज्य है। भारत की स्थल सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। कह रहे हैं कि भारत की जो सीमा स्थल है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भारत का नक्शा दिया गया है। भारत और पड़ोसी देश, भारत का नक्शा और उसके पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान, चीन है, तिब्बत है, ये देशों का नाम भी यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। श्रीलंका है,
आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश लंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका पाल जल डमरू मध्य और मनार की खाड़ी द्वारा अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर के लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। इसमें बता रहे हैं कि भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका मालदीव हैं। चित्र में आप लोग देखिएगा, दिया भी गया है। भारत और श्रीलंका पाल्क जलडमरू मध्य और मनार की खाड़ी द्वारा अलग विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू स्थित है, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। आगे पढ़ते हैं, इतना जानिए। भारत का दक्षिण किनारा इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 में आए सुनामी में जलमग्न यानी डूब गया था। इसी के साथ अंडमान निकोबार के कई टापू समुद्र में डूब गए। इसमें बता रहे हैं कि भारत का जो दक्षिणी किनारा है इंदिरा पॉइंट 2004 में आए सुनामी में डूब गया, जलमग्न हो गया, डूब गया था। और इसी के साथ अंडमान निकोबार के भी कई जो टापू थे समुद्र में डूब गए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भूस्तरीय रचना यानी भूमि के नीचे की रचना निर्माण कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाह हलन चलन का परिणाम है। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर यानी प्रभाव देखने को मिलता है। भारत के वर्तमान यानी अभी के समय में जमीन के ऊपरी सतह का स्वरूप जो है रूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाहरी हलन चलन का परिणाम है, स्वरूप है। इन दोनों परिबलों का विनाशक यानी विनाश करने वाले और रचनात्मक यानी निर्माणकारी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी की संरचना यानी बनावट संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी के ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एस्थोनोस्फीयर के अर्ध द्वरित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है। भू कवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावरणीय प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भू संचली प्लेट है, पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरा दक्षिण अमेरिकन प्लेट, चौथा यूरेशियन प्लेट, पांचवा अफ्रीकन प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका अंटार्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक जगह दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो बनावट है उससे संबंधित जानकारी बहुत ही रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एस्थोनोस्फीयर के अर्ध यानी आधे द्वरित चट्टानों के ऊपर तैर रही हैं। पृथ्वी के गर्भ यानी नीचे होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होता है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करके यानी पैदा करके भूमि पृष्ठ यानी जमीन के सतह पर जाने को प्रयत्न कोशिश करती हैं। भू कवच की तरफ पैदा होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे मृदावरणीय प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ऐसी सात मुख्य भू संचली यानी भू को संचालन करने वाली भूमि के नीचे प्लेट हैं। पहला है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरा है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, चौथा यूरेशियन प्लेट, पांचवा अफ्रीकन प्लेट, छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सातवां है अंटार्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेटें जब एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें आप सारी प्लेट कहते हैं, लेकिन कुछ
जो प्लेट है एक दूसरे के नज़दीक यानी पास आ रही हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। इतना याद रखना, जो दूर हो रही है वो अपसारी प्लेट है और जो पास आ रही हैं एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं उन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ पर अस्तर भंग होता है और परत पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकारों और परिस्थिति में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा यानी विपरीत यानी अलग दिशा में खिसक जाने से यह परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सरकती या खिसकती ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं वहाँ पर्वत निर्माण का कारण बनता है। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती हैं वहाँ महाद्वीपों और महासागरों में दरारों का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। करें कि अपसरण और अभिसरण की क्रिया से जमीन के सतह पर अस्तर भंग हो रहा है यानी जमीन जो है एक दूसरे से खिसक रहे हैं और परत पड़ जाती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीप की जो बनावट है और उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन बदलाव होता है। एक दूसरे के अलग दिशा में खिसक जाने से यह प्रतिक्रिया पृथ्वी के सभी भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनते हैं। सरकना और खिसकना, ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकराती हैं सरक कर खिसक कर वहाँ पर्वत का निर्माण करती हैं, रचना होती है। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती हैं वहाँ द्वीप और महासागरों में दरारों का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप लगातार खिसकते रहते हैं। इस प्रकार के प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन यानी पुराना विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश होता था। कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग हो करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी ऐसा माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से टेथिस समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। इसमें बता रहे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन यानी पुराने विशाल भूखंड का भाग था। इस विशाल जमीन में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समाविष्ट होता था। कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो धीरे धीरे उत्तरी के तरफ सरकने लगी, वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत ही बहुत ही मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ साल पहले टकराई होगी ऐसा लोग मानते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के भिड़ने से टकराने से टेथिस समुद्र में से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त यानी दरार अस्तित्व यानी वजूद में आई। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ काप मिट्टी ले आई। इस तरह हिमालय प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी भाग निर्मित हुआ। द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत यानी बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिनमें पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर निमज्जित यानी नीचे धंसना हो गया जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू निमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट यानी साफ साफ हो गया। इसमें करें कि हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक बहुत बड़ा दरार अस्तित्व में आया। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ काप मिट्टी ले आईं। इस तरह हिमालय प्रायद्वीप पठारी के प्रदेशों के बीच अभी के समय का गंगा का मैदान का जो मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। द्विकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक बहुत बड़ा
ज्वालामुखी फटा, जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर नीचे धस गया होगा, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। इस भू निमंजन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम साफ साफ हो गया। आगे पढ़ते हैं, भारतीय भूखंड में अनेक विविधताएं यानी अंतर है, अनेकता है। उत्तर में ऊंची विस्तृत यानी फैला हुआ पर्वत श्रेणी है, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि है। उत्तरी भाग के मैदानों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, उनकी काप मिट्टी से ही ये मैदान बने हैं। दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश प्राचीनतम है, प्राचीनतम यानी बहुत पुराना है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं यानी अनेकताओं से युक्त यानी भरा हुआ भूपृष्ठ वाला है यानी धरातल है। इसमें करें भारतीय भूमि खंड यानी भूमि में अनेक विविधताएं अंतर हैं। उत्तर में ऊंची विस्तृत यानी फैला हुआ पर्वत श्रेणी है, जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियां आदि हैं। उत्तरी भाग के मैदान में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, उनकी काप मिट्टी से ही ये मैदान बना है। दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश बहुत ही पुराना है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिम किनारे पर तटीय मैदान स्थित हैं। इस तरह भारत विविधताओं यानी अनेकताओं से पूर्ण भरपूर धरातल है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से दो बार सुनिएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको बाद में भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।